गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी सोना सोनिया। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी न्यूली ब्राइड करवा चौथ मेकअप लुक। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप करने से पहले यहाँ पे मेरा फेस एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं लगा है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी लैक्मी का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, जो कि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए क्योंकि विंटर्स आने ही वाली हैं और मानसून ख़त्म ही हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी लिप बाम, जो कि मेरा फेवरेट है। जब तक आप लिपस्टिक की बारी आएगी, ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से नरिश कर देगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी शियोन पैलेट से कलर करेक्टर रेड कलर में, जो कि ये आपके डार्क सर्कल को हाइड करेगा और आपकी जितने भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स वगैरह है, उसको भी कवर कर देगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। कोई मैं ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे तरीके से आप इसे ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। जहाँ पे आपको ओपन पोर्ट्स वगैरह हो या स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो, आप उसे वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। मैंने नोज़, फोरहेड एंड अपर लिप एंड चिन पर इसे अप्लाई किया है। जहाँ तक मतलब अपन वो करते हैं तो पूरा ही हो जाता है। उसके बाद आज की वीडियो में मैं यहाँ पर दो फाउंडेशन यूज़ करूँगी, एक है लैक्मी का और दूसरा है मेबेलिन का। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड हाइलाइटर है वो भी यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा मिक्स होकर कॉम्बिनेशन देगा। इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके फेस पर गाइस कि आप मतलब एकदम शॉक्ड हो जाओगे। तो दोनों को मिक्स करके मैंने आज फाउंडेशन में दोनों लगा यूज़ किया है। अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस पर डैब डैब करके लगा लिया है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो अभी से ही इतना अच्छा कवरेज दे रहा है। आप इस साइड देख लो और इस साइड भी देख लो, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है गाइस। अगर आपके पास भी ऐसी कोई फाउंडेशन हो जो आपकी शेड से बहुत ज़्यादा डार्क हो, आपके फेस से बहुत ज़्यादा वाइट हो, तो आप ऐसे दो फाउंडेशन खरीद सकते हो या फिर एक भी कोई सा भी खरीद लो। अच्छे तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा आपके फेस में अच्छा लुक दे देता है और कवरेज भी दे सकता है। तो देख लिया आपने मैंने कितने आसानी से अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का कंसीलर, जो कि आप अपने डार्क सर्कल वाली जगह पर अप्लाई करिए, जैसे फोरहेड, आइज़ के ऊपर, नोज़ वगैरह, अपर लिप और यहाँ चिक्स पे, मतलब जहाँ पे आपको डार्कनेस लगे आप वहाँ पर इसे यूज़ कर सको। ये कंसीलर सेम कलर करेक्टर की तरह ही काम करता है कि आपकी जो डार्कनेस है उसको छुपा देता है और हाइड भी कर देता है। तो इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ अपने आइज़ के नीचे, क्योंकि आइज़ में हमेशा अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसे डैब डैब करके हटा लो, मतलब कम कर लो। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मेकअप कॉम्पैक्ट, जो कि आपके पाउडर जो कि आपके फेस को और फाउंडेशन को सेट करता है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया है फेसेस कनाडा का आई शेडो पैलेट। और आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ दो कलर की आई शेडो ही बताऊंगी, ज़्यादा कलर नहीं बताऊंगी। सो यहाँ पर मैंने एक लिया है नॉर्मल सा गोल्डन कलर और यहाँ पर मैंने लिया है एक मेरून लाइट मेरून सा जो कलर है। दोनों को मैंने मिक्स किया है। गोल्डन को मैंने फर्स्ट में लगाया है और मेरून कलर को मैंने लास्ट में लगाया है। दोनों को मिक्स कर लिया मैंने अच्छे तरीके से, जो कि बहुत ही सुंदर सा लुक, और मतलब बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको इतना ज़्यादा आंखों पे टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ग्लैम फैम का आईलाइनर, जो कि वाटरप्रूफ है और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है गाइस। आप टस से मस नहीं होता ये लाइनर। सो यहाँ पे मैंने एक अच्छा बड़ा सा जो विंग लाइनर है वो ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मेरी आँखें थोड़ा सा अलग ही लग रही थी, पता नहीं क्यों। सो मैंने थोड़ा सा इस बार मैंने बड़ा ही अपना विंग लाइनर ड्रॉ किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइस, सच में सच। और उसके बाद आप भी अपने जैसा आपको मतलब करना हो आप कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ग्लैम फैम का मस्कारा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है गाइस, और ये भी वाटरप्रूफ है, और ये आपकी जो पलकें हैं ना, जो आपकी आई लैशेस है, वो एकदम से खिली खिली सी एकदम अलग अलग कर देता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, आप भी इसे यूज़ करके देखना एक बार। उसके बाद यहाँ पर मैंने आईब्रो के लिए यूज़ किया है शियोन कॉस्मेटिक की आईब्रो पेंसिल, जिसे मैं
मुझे पेंसिल ही समझ में आती है गाइस, मुझे ये पैलेट वगैरह समझ में नहीं आते। सो मैंने अच्छे तरीके से जहाँ पर मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा मतलब ड्रॉ नहीं किया है, जहाँ तक मेरी आईब्रो है उसी को मैंने उसी के ऊपर लगाया है और ब्रश की हेल्प से मैंने अपने आईब्रो को सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एंजल रोज़ पैलेट के रोज़ पैलेट से अपना ब्लश, मेरे फेवरेट ब्लश जो कि दोनों में हमेशा हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। तो अच्छे तरीके से आप लगा लीजिए अपने चीक्स पर। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। काजल लगाते ही आंखों में गुदगुदी स्टार्ट हो जाती है मुझे सो मैंने काजल लगा लिया इस आंखों पर भी। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी अपनी लोकल मार्केट की लिप लाइनर जो कि ADS की लिप लाइनर है। तो लिपस्टिक लगाने से पहले आप लिप लाइनर ज़रूर यूज़ करिए और उसी के बाद मैं इसे अपने लिप्स पर ड्रॉ भी कर ली हूँ और फिल भी कर लूँगी। भगवान ये गाड़ियों की आवाज़ ना मेरे पीछे कब छोड़ेंगी सच में। उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लाइक मी की 9 to 5 लिपस्टिक जो कि मेरे पास कॉपी है, मैं पहले ही आपको बता दूँ कॉपी है वो रेड कलर की है। और यहाँ पे मैंने ग्लैम 21 का हाइलाइटर लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, एकदम मिक्स कलर जितने भी हैं ना सब कलर मिक्स हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे फेस पर 4 चांद लग चुके हैं और मैं चमक चुकी हूँ। आज तो पक्का है कि पवन एकदम मेरे ही फेस पर देखते रहेंगे, एकदम ध्यान उनका हटेगी नहीं कहीं से जस्ट जोकिंग। सो आप अपने से हाईलाइट पॉइंट्स पर लगा लीजिए जैसे कि नोज़, चिन, चीक्स, फोरहेड एंड आईब्रोज़ के नीचे और आइज़ के कॉर्नर में भी लगा लीजिए, जिससे आँखों को ना बहुत ही प्यारा सा लुक मिल जाता है। सो यहाँ पर जो है मेरा फेस का जो मेकअप है वो बहुत ही फाइनली कंप्लीट हो चुका है। नो अभी एक चीज़ बाकी है, सॉरी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सेटिंग स्प्रे। अच्छे तरीके से आप स्प्रे कर लीजिए बट इतना रात का टाइम। सो फाइनली माई मेकअप इज़ कम्प्लीट। अब आप इंजॉय करिए मेरे प्यारे प्यारे से ब्यूटी शॉर्ट्स। आप सभी को पसंद आई होगी। सो आज की वीडियो मैंने जो मेकअप है जो अपना लुक है वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा टीम टाम नहीं किया है क्योंकि मैंने बहुत ही सटल सा लुक क्रिएट किया है और आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और आज की वीडियो में मैंने इतना सटल लुक और इतना सिंपल लुक क्यों रखा, क्योंकि जो वुमेंस होती हैं जो उपास वगैरह रखती हैं तो उनको अपना घर का काम भी देखना होता है। दोपहर तक में हमारी जो हालत होती ना वो एकदम टाइट हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते, तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहते कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको अपने ऊपर टाइम देना है। एक तो हम थके भी हैं ऊपर से मेकअप में भी इतना सारा टाइम। सो आपको बहुत ही एकदम सटल सा मेकअप करना है और आपको बहुत अच्छा भी दिखना है। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और मैंने बहुत ही अच्छा सा एकदम सिंपल सा लुक रखा है अपने फेस पे, आईज़ पर मैंने इतना कुछ टेम टाम नहीं किया, सिर्फ 2 कलर को लेके मैंने अपना आई शेडो क्रिएट किया है एंड लिपस्टिक देन मतलब पूरा आपको मेकअप करना है बट इतना ज़्यादा आपको मतलब जो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें बताई हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी हेयर स्टाइल करी है क्योंकि हेयर स्टाइल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैगी। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल से एक बन बनाया है और बन में मैंने जो आर्टिफिशियल जो गजरे होते हैं वो मैंने लगा ली है। और यहाँ पे मैंने अपनी पहनी है रेड कलर की साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये मेरी शादी की साड़ी है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये एंड इसका जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा, ये साड़ी बहुत ज़्यादा हेवी, मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं उन सब में बहुत ज़्यादा हेवी है, एकदम पूरे कुंदन कुंदन का वर्क है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ,
बट फिर मैंने सोचा चलो ये भी पहन लिया जाए, क्योंकि करवा चौथ में आप जितना रेड पहनो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी नॉर्मल कलर तो ठीक है अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन मेरा मानना यही कि रेड पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने पहनी है अपनी रेड साड़ी जो कि मेरी शादी की साड़ी है, एंड यहाँ पर मैंने पहना है हार मंगलसूत एंड ये लॉन्ग वाला मंगलसूत कान के, एंड यहाँ से दो फ्लिक्स निकाल दिएगी बस, ज़्यादा और कुछ मैंने किया नहीं है। एंड सिंदूर एंड ये चूड़ा एंड रिंग। फिर अगर आपका पास है तो आप जल्दी से एकदम फटाक से रेडी हो जाओ। और देखा जाए तो ये वीडियो को मैं ये नाम दूंगी कि जस्ट गेट रेडी विथ मी, ऐसा कर कह सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है, आपके घर के भी काम रहते हैं, आपको खाना भी बनाना रहता है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। सो मैंने मेकअप में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, आपकी आप भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो मेकअप में। सो मैंने एकदम सिंपल सा लुक दिया है अपने फेस को, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये बहुत जल्दी क्रिएट हो गया है एकदम, आपको इसे नहीं 5-6 घंटे लगेंगे मेकअप के लिए, क्योंकि लड़के को टाइम लगता ही है, और 5-6 घंटे तो नहीं लगते लेकिन फिर भी टाइम लगता है, तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। और ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी शूट करी है, क्योंकि मेरे को जो भी वीडियो शूट करनी रहती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते, कम से कम 5-6 घंटे तो हो ही जाते। और रियली ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो मैंने सिर्फ आज 2 घंटे में फिनिश कर दी थी, क्योंकि मेकअप भी मेरा हमारा सटल है इस वजह से। तो मेरी तरफ से जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी मेरी सिस्टर हैं, जितनी भी वुमेंस हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, और आप सभी अच्छे से रहिए, अपने घर पर रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और देखते रहिए, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करिएगा, और प्यारे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कि ऐसे ही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, लव लव।